जब आंगनवाड़ी वर्कर को नियुक्त किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को हमारे देश में ये आंगनवाड़ी की शुरुआत हुई थी, उस समय देश में पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे एक एक स्टेट के अंदर एक एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था और धीरे 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 इसको करते हुए अब जा करके पूरे देश में हुई है। अभी भी कुछ एरिया है जहाँ पे नहीं पहुंच पाई है। उस समय सिर्फ 6 सेवाओं के लिए नियुक्त किया गया था। जब नियुक्त किया गया था, मैं भी जब 84 में ज्वाइन किया तो उस समय तक 6 सेवाएं ही थी। उस समय जब मैं आंगनवाड़ी में आई तो आंगनवाड़ी वर्कर को पौने 200 रुपया मानदेय महीने का मिलता था और हेल्पर को सिर्फ 50 रुपये। आप बोलो कि 1.5 रुपया दिहाड़ी पे, मतलब काम करने के लिए आंगनवाड़ी हेल्पर को नियुक्त किया गया था जब मैं 1984 में आई। तो उस समय 6 सेवाएं थी। पहली थी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, दूसरा था बच्चों का टीकाकरण करवाना, तीसरा था हेल्थ चेकअप करवाना, चौथा था हेल्थ और पोषण के संबंधी एजुकेशन देना और प्री स्कूल एजुकेशन देना और रेफरल करना। ये सिर्फ 6 सेवाओं के लिए आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को अपॉइंट किया गया था। उस समय ऐसी कोई एज की लिमिट नहीं थी, उस समय ऐसी कुछ भी एजुकेशन की लिमिट नहीं थी। प्राइमरी पास आंगनवाड़ी वर्करों को भी उसमें रखा गया था कि उसको सिर्फ काउंटिंग करनी आनी चाहिए, खाना कितना दिया है उसका वेट चेक करना आना चाहिए, सामने वाले बच्चे का महिला का वेट करना आना चाहिए, इतना ही चाहिए। बट आज की हम अगर सिचुएशन की बात करें, आज देश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर, अगर मैं ये नहीं कि मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूं इसलिए बोल रही हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है देश के अंदर सबसे ज्यादा जो काम का भार है वो आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर है। उसको जब आंगनवाड़ी वर्कर्स डिमांड करती है कि मुझे काम के बदले में दाम चाहिए, तो उस समय हर अधिकारी बोलता है, जी आपको तो वॉलंटियर बनाया गया था, आपको तो वॉलंटियर अपॉइंट किया था, आप तो वॉलंटियर हो, सोशल वर्कर हो। और आईएएस अधिकारी बोलते हैं, सेवा करने में बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों को तो सेवा करने का मौका मिला है, आपका तो जॉब ऐसा है, पर सेवा करने से पेट नहीं भरता है ना। तो इसलिए अगर मैं आज काम की बात करूं, ये 6 सेवाओं के लिए तो टाइम ही नहीं दे रही है गवर्नमेंट। वो चाहती ही नहीं है कि ये 6 सेवाएं पब्लिक को मिले और पब्लिक के अंदर जो डेवलपमेंट हो और लोग इसके लिए अवेयर हो, इसलिए आंगनवाड़ी वर्करों को इन सेवाओं के लिए तो टाइम ही नहीं है। अगर मैं देश की बात करूं कि देश के अंदर पोलियो एक कितनी बड़ी बीमारी थी और देश की मेडिकल रिसर्च का जो संस्था थी उसने जो सर्वे किया और उसने वो दर्ज किया है कि आंगनवाड़ी वर्कर का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है देश के अंदर पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए। जब ये प्लस पोलियो अभियान शुरू किया गया तो बिना कोई सेवा दिए, किसी भी तरह का 1 रुपया के मेहनताना दिए बिना आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने घर घर जाकर के, रेल की पटरियों पे जाकर के, भट्ठों पे जाकर के, फैक्ट्रियों में जाकर के, एक एक बच्चे को, एक एक बच्चे के मुंह में बूंद, तीन तीन चार चार साल में जितनी बार भी सरकार ने टर्म की, आंगनवाड़ी वर्कर ने तनदेही से निस्वार्थ सेवा करके देश के अंदर पोलियो को जड़ से खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की है। पर आज के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर को क्या क्या काम है, लिस्ट करेंगे तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। अलग अलग राज्यों में, मैं पंजाब में काम कर रही हूँ मैं आपको, और वही दूसरे दूसरे राज्यों में नाम से अलग अलग चीजें हैं, काम सबका सेम है। पंजाब के अंदर एक डिपार्टमेंट है सोशल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट का नाम ही वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी जोड़ दिया, दो डिपार्टमेंटों को एक डिपार्टमेंट बना दिया। पेंशन का काम आप करेंगे, पेंशन में गांव में पेंशन का कैंप लगेगा, फॉर्म आप भरेंगे, उसका फोटो टेस्ट आप करवाएंगे, उसके साथ मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल आप जाएंगे, तहसीलदार पे अटेस्ट कराने के लिए आप जाएंगे, ऑफिस में फॉर्म आप जमा करेंगे। फॉर्म जमा करने के बाद जब उनको नंबर पीएलए लग जाएगा पेंशन का, फिर आप बुजुर्ग के साथ या विडो है या हैंडीकैप्ट उसके साथ बैंक जाएंगे, फिर उसका बैंक अकाउंट खुलवाएंगे और फिर उसकी सैलरी आई कि नहीं कि टाइम टू टाइम आप चेक करके सरकार को रिपोर्ट करेंगे, पर बदले में 1 रुपया भी आपको सैलरी नहीं मिलेगा। गांव के अंदर स्टेट की ओर से जो भी वेलफेयर की स्कीम आती है, जैसे कहीं ग्रीन कार्ड है, किसी स्टेट में रेड कार्ड है, किसी स्टेट में ब्लू कार्ड है, वो आटा दाल का कार्ड है, कहीं रसोई का कार्ड है, कहीं पीली कापी है, वो उसका पूरा सर्वे आंगनवाड़ी वर्कर करेगी कि उसका गांव में वो लोग कितने हैं, उनका घर का स्थिति कैसा है। पर आंगनवाड़ी पे भरोसा नहीं करते हैं, काम करवाएंगे
अटेस्टेशन गांव के नंबरदार की होगी या तो गांव के सरपंच की होगी, बट काम आंगनवाड़ी वर्कर करेगी। अगर कोई सरपंच और नंबरदार उसको गलत अटेस्ट कर देता है, बाद में वेरिफिकेशन के लिए आंगनवाड़ी वर्कर की गवाही मांगी जाएगी। अगर सही पेंशन नहीं लगी तो जेल में आंगनवाड़ी वर्कर जाएगी, अटेस्ट करने वाला नंबरदार नहीं जाएगा, अटेस्ट करने वाला सरपंच नहीं जाएगा। वो सोशल सिक्योरिटी का काम है। अब दूसरा है कि गांव के अंदर पशुओं का सर्वे जनगणना के टाइम में कितना कितना, पिछले टाइम आपने देखा आर्थिक सर्वे वो आंगनवाड़ी वर्कर से करवाया, बीएलओ का ड्यूटी वो आंगनवाड़ी वर्कर से करवाया, एनआरआई कितने आपके गांव के अंदर उसका सर्वे आंगनवाड़ी वर्कर करेगी, आपके गांव के अंदर जो भिखारी कितने हैं, जब कॉमनवेल्थ गेम हुए तो उस समय भिखारियों की गिनती का सर्वे भी आंगनवाड़ी वर्करों से करवाया, किन्नर कितने हैं आपके गांव के अंदर उसका सर्वे का रिपोर्ट भी आप देंगे, बेसहारा बच्चे कितने हैं उसका रिपोर्ट भी आप करेंगे, लिटरेसी कितने लोगों को है, कोड कितने लोगों को है उसका रिपोर्ट भी आप सरकार को देंगे, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन तो हमारा काम है, टीकाकरण करवाना तो हमारा काम है, वो तो हम कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ अलग अलग जितने भी काम है, किसी गांव में किसी के टॉयलेट है कि नहीं है उसका टॉयलेट का सर्वे भी आप करेंगे, और पंजाब में तो किनाया आया था कि नशों का सर्वे आप करेंगे, यूनियन ने आंदोलन करके वापस कराया कि कौन कौन सा नशा करता है, स्मैक कौन पीता है, शराब कौन पीता है, देसी कौन पीता है, निकालता कौन है, ऐसी जानकारी वर्कर कैसे दे सकती है। और ऐसे जब सर्वे करने, जैसे हम प्लस पोलियो के दौरान भी आंगनबाड़ी वर्करों पे अटैक हुए, रेप भी हुआ है लुधियाना के अंदर, ये बुला के कि आप अंदर बच्चा है, नया न्यू बेबी बोर्न है, माँ बाहर नहीं आ सकती, आप बच्चे को अंदर दवाई पिलाने के लिए आइए, वो अंदर गई तो लड़की के साथ जबरदस्ती किया गया, एसएमओ ने कोई हेल्प नहीं किया, सीडीपीओ ने कोई हेल्प नहीं किया, तो आंगनवाड़ी फेडरेशन ने ही आंदोलन करके उन लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया। पेंशन का काम, आटा दाल का स्कीम का काम, बेरोजगारों का सर्वे, पशुओं का सर्वे, टॉयलेट का सर्वे, लिटरेसी का सर्वे, जितने भी सर्वे आपको चाहिए, जो भी सरकार को जनगणना की तुरंत जानकारी चाहिए देश को, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर ही करके देगी, पर बदले में सरकार उसको कुछ नहीं देगी क्योंकि वो तो वॉलंटियर है। ये आंगनवाड़ी वर्कर को इसके साथ साथ गांव की राजनीति का शिकार भी होना पड़ता है कि जब एक एक प्लान में दूसरी राजनीति पार्टी से सरपंच होता है तो दूसरी प्लान में दूसरी राजनीति से, और आंगनवाड़ी वर्कर की जो फैमिली है वो भी गांव में ग्राउंड लेवल पे किसी न किसी राजनीति से तो जुड़ी होती है, तो आंगनवाड़ी वर्कर किसकी गुलामी करे, परिवार की करे या गांव के सरपंच की करे या आने वाले सरपंच की करे, उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। जब बिल्डिंग्स का जरूरत पड़ती है, वो हेल्प के लिए जाती है तो वोट दिया था तेरी फैमिली ने, वोट तो उसको दिया था, मैं तुम्हारी क्यों हेल्प करूं। और एक पब्लिक कंट्रीब्यूशन का जो आज सबसे बड़ा सामने आ रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है और बोलती है कि पब्लिक कंट्रीब्यूशन करो, लोगों से मांगो, लोगों से पैसा मांग के आंगनवाड़ी के केंद्र में मिट्टी डलवाओ, लोगों से पैसा इकट्ठा करके जब सरकार राशन नहीं दे रही है बच्चों को खाना खिलाओ। मतलब कहने की बात के इंटरनेशनल भिखारी भी आंगनवाड़ी वर्कर को सरकार ने बना दिया। मेरे आंगनवाड़ी केंद्र में मैंने बताया ना आपको, 9 सेंटर बड़े हैं, 5 मिनी सेंटर हैं, तो उसमें अलग अलग जातियों से हैं, दलित है ज्यादा उसमें दलित परिवारों की महिलाएं हैं, शेड्यूल कास्ट से हरिजन से हैं, वाल्मीकि से हैं, उन्हीं से ज्यादा हैं महिलाएं, और खास करके जो हेल्पर है वो तो 90% ही दलित परिवारों से आती है। केंद्र सरकार की ओर से तो 4500 रुपया आंगनवाड़ी वर्कर को मिलता है और 2250 रुपया हेल्पर को मिलता है, और पंजाब गवर्नमेंट की ओर से सारा टोटल प्लस करें तो 7500 रुपया आंगनवाड़ी वर्कर को है और 3750 रुपया हेल्पर को है, और अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग सिचुएशन है। जहां जहां आंदोलन ज्यादा है तो वहां थोड़ा सा सैलरी इंक्रीज हो गया है, जहां पे बहुत बड़ा राज्य है जैसे हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, तो आज भी आंगनवाड़ी वर्कर 4500 पे खड़ी है, वहां पे बहुत सारा है। और हमें अकेला हमारे आंगनवाड़ी के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ता, हमें अपने लाभपात्रियों के बच्चों के लिए भी, जैसे पंजाब में गंदा राशन आ गया था, राजस्थान की किसी कंपनी से बीट पप और हल्के से घटिया लेवल के बिस्कुटों से उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था, जब आंगनवाड़ी केंद्रों में आया तो हम लोगों ने उसका विरोध किया कि नहीं, हमें संतुलित भोजन के लिए अपॉइंट किया गया था तो संतुलित भोजन चाहिए, ये ऐसा गंदा खाना हम अपने लाभपात्रियों को नहीं पहुंचाएंगे। उसके लिए हमें धमकियां भी मिली, राजस्थान से कंपनी वालों से भी धमकियां मिली मुझे कि तुम लोगों को जेल भेज देंगे, अपने
कितना पैसा लिया पंजाब की कंपनियों से हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। हमने पूछा कि पंजाब का टेस्ट तो विश्व में माना जाता है, तो पंजाब के लोगों के लिए राजस्थान से बिस्कुट मंगवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? इसका मतलब मोटा कमीशन कहीं तय हुआ, इसीलिए राजस्थान से बिस्कुट आया ना। अगर आपको कुछ रेडीमेड भी देना है तो पंजाब के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, क्योंकि पंजाब के अंदर बात करोगे तो हम लोग रेट का जायजा ले लेंगे, पता कर लेंगे तो आप लोगों ने कितना बड़ा स्कैंडल किया है। तो इसमें एक अभी 2-3 बार हमने शिकायत भी किया है, कंप्लेंट भी दर्ज हुआ है, बहुत सारे डीपीओ को चार्शीट भी किया है। पता नहीं ऑटोमेटिक कैसे उनको चार्शीट से बहाल करके प्रमोशन दे देते हैं कि घटिया लेवल के जो बच्चों के खिलौने हैं, मशीन है, दवाइयों की किट है, करोड़ों का घोटाला वहां पे हुआ है। तो हमने उसी समय थोड़ा सा मौका, जी न्यूज टीवी चैनल ने डिबेट के लिए मिनिस्टर को हमें बुलाया भी था और उसने बोला भी था कि 28 दिन में हल कर देंगे, पर 28 महीने के मुझे लगता है 28 साल के बाद भी कुछ नहीं होगा उनके खिलाफ। सर, मेरा नाम शकुंतला है और मैं हरियाणा राज्य के कैथल डिस्ट्रिक्ट में आंगनवाड़ी वर्कर के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं 2007 में आंगनवाड़ी वर्कर लगी थी। जिस एरिया में मेरी ड्यूटी है वहाँ 126 परिवार हैं और लगभग जो है 1,000 से ऊपर की आबादी है। वहाँ जिन लोगों के बीच में मैं काम कर रही हूँ वो बहुत ही गरीब तबका और जो डेली कमा के खाने वाले लोग हैं, दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, और वो ऐसे लोग हैं जिनको हरियाणा के गांव से चौधरी टाइप लोगों ने उजाड़ के भेज दिया था और वो शहर में आके अपनी एक कॉलोनी बना के उसमें रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भवन निर्माण का काम है उसमें दिहाड़ी के लिए जाते हैं, ईंट और ये रेत, बजरी, सीमेंट वगैरह ढोने का काम करते हैं, कोई सब्जी की दुकान पे लगा हुआ है, कोई कबाड़ी का काम करता है, कोई मंडी में लेबर का काम करता है, इस तरीके के वो काम करते हैं। कई महिलाएं घरों में झाड़ू पोछे का काम करती हैं, इस तरीके से वो अपने घर का गुजारा करते हैं। सर, जब एकदम से सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी तो उस टाइम पे जो मिडिल क्लास परिवार हैं वो परिवार भी एकदम से परेशान हुए क्योंकि रोजगार उसे काफी डिस्टर्ब हुआ। लेकिन अगर हम उन दिहाड़ी करने वाले मजदूरों की बात करें, उनके परिवार की बात करें, तो हम घर तक गए हैं क्योंकि डिपार्टमेंट द्वारा भी सर्वे की ड्यूटी लगाई और उनकी जो हालत थी काफी दयनीय हालत, जिसको देख के रोंगटे खड़े होते थे। वो लोग खुद अपनी जुबान से बताते थे कि हमें 2 दिन से खाना नहीं मिला, 3 दिन से खाना नहीं मिला, दुकानदारों ने भी राशन बंद कर दिया है देना, क्योंकि जो दुकानदार है उनमें कुछ प्रवासी मजदूर भी थे। दुकानदार जो है ये सोच के कि पता नहीं ये लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा, ये पैसे राशन के देंगे या नहीं देंगे, इस तरीके से उन्होंने एक टाइम पे उनका उधार पे राशन देना भी बंद कर दिया था। हमने जो है, हमने का मतलब ये है कि जैसे अन्य जनसंगठनों के भी लोग इस लॉकडाउन के द्वारा डिपार्टमेंटली हमारी यहाँ जो ड्यूटियां लगी और उन ड्यूटियों के दौरान जो हमने नक्शा देखा कि काफी दयनीय हालत है, तो हमने संगठन में, CITU में और जैसे आईफा के साथियों से भी हम टच में रहे, हमने उनसे डिस्कशन किया, तो हमने जो है उन लोगों को मोटिवेट करके इस चीज के लिए तैयार किया कि आप अपने ही मोहल्लों में आंदोलन करो, हम मीडिया को बुलाएंगे और जो है उनकी खबर कि हमें कम से कम राशन तो मिले खाने के लिए, जो सरकार दावे कर रही है कि हम जनता के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उन लोगों ने इकट्ठा हुए, प्रदर्शन किए, हम उनके बीच में शामिल हुए, लॉकडाउन का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए उनके मोहल्ले में जनसभाएं की और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां पर बना बनाया भोजन जो है वो आना शुरू हुआ और मोबाइल नंबर उनको दिए गए कि आप इस फोन नंबर पे कॉल कीजिए, आपको भोजन मिलेगा तैयार। लेकिन कुछ टाइम बाद वो भोजन आना भी बंद हो गया क्योंकि उस भोजन को भी सरकार नहीं दे रही थी, ना कोई अधिकारी दे रहा था, सामाजिक संस्थाएं ही उसको एक लंगर के रूप में बांट रहे थे इस तरीके से। फिर
तो हमने भी संगठन के लेवल पे और कर्मचारियों से जैसे डिस्कशन करके कुछ पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करके हमने जो है 351 किट हमने राशन की उन गरीब लोगों के बीच में बांटी है। सरकार की तरफ से कोई राशन देने का 1% भी कहीं भी सरकार का एक नुमाइंदा भी हमें ऐसा नहीं मिला जिसने किसी भी मेंबर को राशन बांटा हो। हाँ, एक हमने आंगनवाड़ी के लेवल पे एक काम जरूर किया कि जो लाभार्थी हैं आंगनवाड़ी के अंदर में, चाहे गर्भवती माता थी और चाहे 6 साल तक के बच्चे थे, उसमें हमने लॉकडाउन में इस चीज के लिए जरूर विभाग के ऊपर दबाव बनाया कि जो राशन है, पहले जो आंगनवाड़ी में बच्चे आते थे केवल उनको दिया जाता था, लेकिन इस दौरान हमने विभाग को मजबूर किया कि जो बच्चे स्कूल में जाते थे आंगनवाड़ी में नहीं आते थे, या जो बच्चे स्कूल नहीं भी जाते और आंगनवाड़ी में भी नहीं आते, तो उनको भी भोजन आईसीडीएस के द्वारा मिलना चाहिए। और वो हमने अपने हरियाणा में लागू किया। हमने जैसे लाभार्थी हमारे यहाँ 30-35 होते, लेकिन हमने लॉकडाउन के दौरान 150-150 परिवारों, बच्चों को और गर्भवतियों को राशन दिया। सरकार ने जो है लॉकडाउन के दौरान टीवी में, अखबार में बड़ा प्रचार किया कि ये जनता के भले के लिए है, घर से बाहर मत निकलना, आपके घर तक राशन पहुंचेगा, भोजन पहुंचेगा। लेकिन सच्चाई ये है, जमीनी स्तर पे ना तो सरकार की तरफ से कोई सूखा राशन मिला है, ना भोजन मिला है उन परिवारों को। घोषणाएं तो सरकार ने ये की थी कि बीपीएल राशन कार्ड धारक जो है उनको फ्री में राशन, और जो एपीएल वगैरह है, हरे राशन कार्ड वगैरह है, कि उनको भी राशन फ्री में दिया जाएगा। बीपीएल जो परिवार हैं सर, उनको जो है राशन दिया गया, लेकिन जैसे राशन डिपो से दिया गया, फ्री में दिया गया, लेकिन उस टाइम पे भी क्या हुआ, कहीं दाल आ गई है तो गेहूं नहीं, गेहूं आ गया है तो चावल नहीं, चावल आ गया है तो तेल नहीं। और वो ऐसी क्वालिटी का आया गेहूं और चावल जो राशन था कि वो इंसानों के खाने के काबिल नहीं था, जैसे किसी जानवर को खिलाना हो इस तरीके से वो राशन दिया गया है। और वो भी सब तक राशन नहीं पहुंचा, वो अभी लास्ट टाइम में जो है राशन डिपो, राशन डिपो पे मिला है कुछ लोगों को, सबको नहीं मिला वो भी। जी, आपने बताया जिन परिवारों के बीच आप काम करती हैं, इनमें से कितने परिवारों के पास बीपीएल अभी एएवाई कार्ड है, करीब कितने परिवारों के पास होगा? जी, जैसे 126 परिवारों के बीच में मैं काम करती हूँ, केवल 56 परिवार ऐसे थे जिनके बीपीएल राशन कार्ड थे, लेकिन उन बीपीएल राशन कार्ड धारकों को भी ये कह दिया गया, जैसे ये लोग जो हैं गांव से उजाड़ के, जिस आबादी में मैं काम कर रही हूँ, इन परिवारों को कई लगभग 10-12 साल पहले गांव से उजाड़ दिया गया था कुछ लोगों द्वारा, और इन्होंने जो है ये यहाँ बस्ती बनाई हुई है, जिन गांव से ये उजड़ के आए थे उन्हीं के गांव के नाम पे ये बस्ती है। तो इनके अंदर जो ये 56 परिवार मैं बता रही हूँ बीपीएल के हैं, उनको भी ये कहकर कि इतने परिवारों को एकदम से हम राशन नहीं दे सकते, डिपो धारकों का कहना था कि आधे परिवारों को एक बार देंगे, आधे परिवारों को एक बार देंगे, जबकि सरकार का तो ये कहना था, घोषणाएं थी कि सब तक ये राशन भेजेंगे हम, घर घर तक राशन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जमीनी स्तर पे नहीं था ऐसा। वैसे कहने को तो सिविल हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल जिस एरिया में मैं काम करती हूँ उसके बिल्कुल सामने है, लेकिन कोरोना के दौरान आप यकीन मानिए कि चाहे किसी की डिलीवरी होनी थी, चाहे किसी को किसी भी तरह की बीमारी थी, हॉस्पिटल के अंदर उन लोगों को घुसने तक नहीं दिया जाता था, और जो डॉक्टर्स वगैरह थे उनका भी ये कहना था कि अगर खांसी जुकाम है तो बताओ, वरना तो बाहर चलो बाहर चलो, ऐसे हम और किसी मरीज को नहीं देख सकते। इस तरीके का जो है हमने ये वहाँ सिस्टम देखा सर। और दूसरा ये भी है कि जैसे बीमारी, बुखार, तबीयत
तरह तरह की बीमारियां, या जो सरकार भी कह रही थी ग्लव्स मास्क लगाओ, बाहर मत निकलो, सैनिटाइजर वगैरह, इसमें हम एक चीज और जोड़ना चाहते हैं कि सरकार द्वारा, जैसे हम आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हमें एक भी विभाग या सरकार द्वारा कोई ग्लव्स नहीं दिया गया, कोई मास्क नहीं दिया गया, कोई सैनिटाइजर नहीं दिया गया। हमने खुद फैसला करके अपने डिस्ट्रिक्ट में खुद आंगनवाड़ी वर्करों ने सील के अपने आंगनवाड़ी एरिया में भी बांटे हैं, जनता के बीच में भी बांटे हैं कि सरकार नहीं दे रही, कम से कम हम तो अपने एरिया में लोगों के बीच में ये बांटे। ऐसा देखने को मिला कि जैसे सिविल हॉस्पिटल में कोई उनको घुसने नहीं दे रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो जा रहे हैं तो काफी उनके साथ हम ये कह सकते हैं कि दवाइयों का रेट, डॉक्टर के जो देखने की फीस है वो, और वो भी बहुत दूर से, कोई चेकअप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अंदाजे से दवाइयां उनको दी गई। और जो गरीब लोग थे वो तो आंगनवाड़ी सेंटर तक सीमित कि हमारे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, आप ही कोई दवाई दे दीजिए, हॉस्पिटल में हमें दवाई नहीं मिल रही है। तो आंगनवाड़ी में भी जो दवाइयां हमारे पास आयरन कैल्शियम पीसीएम वगैरह आती हैं, तो वही दवाइयां हमने उनको दी, उसी से उन्होंने जो है एक तरह से हम कह सकते हैं अपना जो है इलाज लगा ले, या एक मजबूरी लगा लो आप लोग, उसी से उन्होंने अपने आप को ठीक रखा, या जैसी हालत थी उसमें वो जिए। जैसे हम लॉकडाउन से पहले कोई भी वर्कर है खुल के किसी भी परिवार में जाके सर्वे कर लेती थी, कोई जानकारी चाहिए थी तो वो जानकारी भी ले लेती थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान विभाग हमें जो है मौखिक आदेश दे रहा है कि आप इस चीज का सर्वे करो, आप पूछो कोई बाहर से तो नहीं आया, किसी को खांसी जुखाम तो नहीं है, आप इस चीज को सच मानिए। जब हम सर्वे के लिए भी जा रहे थे तो लोग कुंडी हम खड़का रहे थे तो लोग दरवाजे तक नहीं खोल रहे थे, उनको ये था कि आप घर घर जा रहे हो, आपकी वजह से भी हमारे परिवार को कोरोना हो सकता है। और जो बाहर से अलग अलग शहरों से लोग जो अपने घरों में वापिस आए थे वो जानकारी देते हुए भी डर रहे थे कि कहीं हम बता दें हम वहां से आए हैं और आंगनवाड़ी वर्कर जो है कभी हमें उठवा दे, हमारा टेस्ट हो, हम अंदर 14 दिन के लिए बाहर ना चले जाएं। इस तरीके से जो है काफी मुश्किलें हमें आई हैं इस चीज को लेके। उससे पहले ये कभी दिक्कतें नहीं थी, इस तरीके से एक अपनापन का रिश्ता था और अपनेपन के रिश्ते में हम बिल्कुल काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल शक की नजर से देखा जा रहा था। पहले काम था रूटीन का, अब जो काम है कोरोना के दौरान, जैसे पहले हमारा सर्वे होता था आंगनवाड़ी का, तो हम जो है साल में 2 बार सर्वे करते थे अपने एरिए का, या फिर जिस घर में गर्भवती थी वहां हम जो है उनकी मॉनिटरिंग के लिए 1 दिन में 2 दिन में जाते थे। लेकिन अब जो है कभी ICDS डिपार्टमेंट हमसे सर्वे करवा रहा है, कभी हेल्थ डिपार्टमेंट हमसे सर्वे करवा रहा है, मतलब डेली का ये था कि घर घर जाओ, घर घर जाके लोगों को समझाओ और उनका उनकी डिटेल लेके आओ, आज कर लिया तो कल को हो सकता दूसरा विभाग बोल दे कि आप जाओ ये नहीं, ये लिस्ट बना के लेके आओ, मतलब अनाप शनाप तरह के हमारे से काम लिए गए हैं लॉकडाउन के दौरान। जो अधिकारी आदेश करते थे भेजने के, और जब हम अधिकारियों को बोलते थे कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं फील्ड के अंदर, आप एक बार हमारे साथ चलो या आप लोगों को मोटिवेट करो, आप विश्वास करो, वो अपने दफ्तर तक में अधिकारी नहीं आते थे, केवल अपने घर बैठ के मोबाइल पे मैसेज डालते थे और ऑर्डर करते थे, जबकि आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं, हेल्पर जो हैं, डेली फील्ड में रही हैं, घर घर तक जुड़ी हैं। और ज्यादा पहले हम, मैं कह रही थी जैसे पहले कम जाना हुआ, लेकिन अब हमारे कभी राशन बांटने के लिए, कभी मोटिवेशन के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी खांसी जुखाम ना हो इस सर्वे के लिए, कोई बाहर से तो नहीं आया इस चीज के लिए, मतलब हम डेली फील्ड में हैं, लेकिन अधिकारी या सरकार जैसे सुरक्षा उपकरण मुहैया हमें करवाए जाने चाहिए थे वो तक नहीं करवाए, अधिकारी तक फील्ड में नहीं आए, सिर्फ निचले स्तर पे हमें हमारे से ज्यादा काम लिया गया, हमें पीसा गया एक तरह से हम कह सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कुछ दिया ही नहीं गया, जब हमने विरोध किया इस चीज का कि हम फील्ड में नहीं जाएंगे, अगर आप मास्क सैनिटाइजर और ग्लव्स नहीं दे रहे तो हम नहीं जाएंगे, तो हमारे विरोध के बाद क्या हुआ कि एक हाथ का, सिर्फ एक पीस हमें
ग्लव्स का मिला, और वो भी ये कहते हुए कि बस ठीक है ये डाल लो और ज्यादा से ज्यादा हाथ धो लेना आप लोग, सैनिटाइजर वगैरह ऊपर से कुछ नहीं दिया है सरकार ने, विभाग ने, तो हम कहाँ से दे, अधिकारियों का ये मानना था। और मास्क की जगह उन्होंने बोला कि आप जो दुपट्टा ओढ़ते हो उस दुपट्टे को अपने मुंह पे बांधो और आप काम करो, आपको करना चाहिए, ये तो समाज सेवा का काम है। इस तरीके से जो है इमोशनल तरीके से भी उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया, लेकिन ये सच्चाई है कि हमने अपनी जान को दाव पे लगा के काम किया है, हमें कोई भी सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं करवाया गया। हमारा जो है हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर को 11,811 रुपया मिलता है और हेल्पर को 5,732 रुपया मिलता है हेल्पर को, लॉकडाउन से पहले भी और लॉकडाउन के दौरान भी यही स्थिति रही है कि तीन तीन महीने, दो दो महीने, छह छह महीने मानदेय ना मिलना। और आंगनवाड़ी केंद्र के किराए की अगर हम बात करें, आज भी अभी भी अक्टूबर 2019 से अब तक हमें जो है आंगनवाड़ी केंद्र का किराया नहीं दिया गया सरकार और विभाग द्वारा। और मानदेय भी जो है कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 3,000 रुपया मिलता है कभी वो डाल देते हैं एक महीने का, कभी स्टेट गवर्नमेंट से जो 8,000 रुपये मिलते हैं कभी वो डाल देते हैं, लेकिन वो रूटीन में नहीं दिया जा रहा। अभी भी जैसे 2 महीने का, 3 महीने का पेंडिंग है, वो नहीं दिया गया टाइमली। मेरा नाम किशोरी वर्मा है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ रीवा, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, शहरी क्षेत्र में। मेरा जो क्षेत्र है वो दलित, आदिवासी और पिछड़ा सामान्य सभी है, मिक्स है। और उसमें, उस क्षेत्र में हमारी जो जनसंख्या है वो 1200 समथिंग है। और उस क्षेत्र में हम काम करते हैं जिसमें ज्यादा मतलब आदिवासी हैं और फिर दलित की संख्या है, फिर पिछड़ा है और उसके बाद सामान्य जो है वो कम है। तो इनके बीच में हम आंगनवाड़ी में काम करते हैं। और अभी का जो सिचुएशन है, जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से, कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है, मैं मतलब मेरा, मैं खुद से कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हुए मुझे लॉकडाउन होने बाद भी केंद्र में पोषण आहार वितरण करने के लिए घर घर जाना, पोषण आहार साथ में लेके अपनी हेल्पर को लेके और फिर घर घर में बांटना, और उसके साथ में लोगों को जागरूक करना कोरोना के बीमारी के महामारी का, उनके बीच में प्यार करना, उनके बारे में बताना और उनको सुरक्षित कैसे रहना है उस बारे में भी उनको शिक्षित करना, बताना, जागरूक करना, ये हमारा काम इस समय में है। अभी बीच में गांव से जो बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे थे मजदूर वर्ग, तो वो जब आए तो उनका भी सर्वे करना कि कौन जो है कहाँ से आया है, उसकी जानकारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग को देना। और फिर वो स्वास्थ्य विभाग के लोग आते हैं तो वो अपना मशीन से चेक करते हैं और चले जाते हैं। देखिए यदि कोई, अभी तक तो मेरे क्षेत्र में कोई निकला नहीं है जिसको कोरोना पॉजिटिव निकला हो, लेकिन लोग आए हैं और उनकी जांच हुई है और उसके बाद में उनको क्वारंटीन किया है, उनको बताया है, फिर हम भी के पास में जाके बार बार उनके यहाँ जाके ये बताते हैं कि आपको सुरक्षित रह, खुद भी रहना है, लोगों को भी सुरक्षित रखना है। यदि हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम दूसरों को भी बीमार कर देंगे, तो वो उसके भी उनको जो है बार समझाई दे, ये भी हमारा काम रहा है इसमें। तो हमारा जो काम है, सरकार हम काम को लेते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो मैदानी स्तर पर एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाली वर्कर उनको मिलती है, लेकिन उसके बारे में वो सिर्फ काम लेने के लिए सोचते हैं। सरकार जो है वो काम लेने के लिए सोचती है, लेकिन उनके बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में वो कुछ भी नहीं सोचती।
हर तरह का काम, सर्वे करना है, जाना है, पनाह देना है, सिग्नेचर लेना है रजिस्टर में, सिग्नेचर में हम उन पेन देंगे, रजिस्टर देंगे। यदि वो मान लीजिए कि उनको है कोरोना है उनको, तो वो जो छींगे तो उसके पेन भी वो लेंगे, रजिस्टर में भी करेंगे, तो उसका जो वायरस है वो हमारे ऊपर भी आ सकता है। लेकिन सरकार ने हमें इस बीच में ना तो मास्क दिया, ना तो हमको सैनिटाइजर दिया, ना ही हमको ग्लव्स दिया, ना ही कोई किट दिया, और हम ऐसे ही हम जो है अपनी सुरक्षा खुद करते हुए काम कर रहे हैं। हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ये स्थिति है, सिर्फ मेरी नहीं पूरे प्रदेश में ये स्थिति है कि कहीं भी उनको ये सब मुहैया नहीं कराया है। Thank you.